बिहार वालों को मिलने वाला इस साल बहुत बड़ा तोहफा। जी हाँ, 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है पटना के गर्दनी बाग में। क्या कुछ इसमें होने वाला है सब कुछ जानेंगे, तो लास्ट तक व्लॉग में बने रहिए। आपको फिर से गाइस बता दें, दोनों मेरे किडनी में स्टोन हो गया तो बहुत ज्यादा दर्द रहता है व्लॉग लेने में। आजकल देख रहे लेट हो रहा है, शाम हो जा रहा है, पहले 10:30 11 बजे तक आ जाता था। तो गर्दनी बाग और एयरपोर्ट में रहने वाले जो यहाँ पर है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। गर्दनी बाग में जो बापू टावर गाइस बन रहा है, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे साइड आप लोग देख सकते हैं साइंस सिटी बन रहा है, मैंने उसका भी सच बोला था कि यहाँ पर बन रहा, तो शायद वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिले। और आपको बता दें, बापू टावर में गांधी जी से रिलेटेड ही सब कुछ होने वाला उनके। तो मैं हूँ गाइस जय, अभी खड़े हम लोग गर्दनी बाग में रोड नंबर 15 में, यहाँ पर बन रहा है बापू टावर, उसी का आपको अपडेट देने वाले हैं। तो लास्ट तक ब्लॉग पे बने रहिए। देख सकते हैं गाइस, रोड नंबर 15 में हम लोग हैं बापू टावर का। यहाँ पर 3-4 बार अपडेट दे चुके हैं हम लोग। पहले बाहर से आपको अच्छा से दिखा देते हैं, फिर ड्रोन के हेल्प से दिखाएंगे। देख लीजिए, टावर काफ़ी खूबसूरत होने वाला है, बिल्कुल यही इसका डिज़ाइन रहेगा। पिछले साल गाइस 2023 में तो बहुत सारा सरप्राइज पटना वालों को मिला था, बिहार वालों को मिला था। एक से एक चीज़ उद्घाटन होता जाता है, पुल बना था, ब्रिज बना था, और भी कुछ कुछ हम लोग को देखने को मिला। इस साल भी आपको बहुत कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। बापू टावर तो पटना के गर्दनी बाग बन ही रहा है, और भी कुछ खुलने वाला है। पहले बापू टावर का आपको अच्छा से अपडेट दे देते हैं। बापू टावर जो गाइस 120 फीट का होने वाला, और ये टोटल 6 फ्लोर का होने वाला। जी हाँ, इसमें लिफ्ट भी होगा ऊपर नीचे करने के लिए, और स्टेयर भी होगा अंदर गोलाकार से ऐसे घूम घूम के आप लोग ऊपर जाने के लिए रहेगा, और स्टेयर के मदद से आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर लिफ्ट भी होगा, यहाँ पर टोटल 3 या 4 लिफ्ट पता चला कि होने वाला है। पता चला गाइस फरवरी में बापू टावर का उद्घाटन हो जाएगा, मतलब फरवरी में बापू टावर 2024 में खुल जाएगा। पर होने वाला था जनवरी में, लेकिन कुछ का रुकावट, अभी हल्का फुल्का काम बाकी है, तो फरवरी में इसका उद्घाटन पता चला फाइनली हो जाएगा। डेट अभी एग्जैक्ट हम लोग को पता नहीं, बट फरवरी में इसका उद्घाटन फाइनली हो जाएगा। तो गर्दनी बाग और एयरपोर्ट में रहने वाला जो यहाँ पर है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन ये थोड़ा मेरे को एरिया कुछ अलग टाइप का लग रहा है। यहाँ पर मतलब बोरिंग रोड ये सब है ना, वो सब बीच सेंटर में आता है, तो थोड़ा दूर हो जाएगा। गर्दनी बाग में जो बापू टावर गाइस बन रहा है, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे साइड आप लोग देख सकते हैं साइंस सिटी बन रहा है, मैंने उसका भी सच बोला था कि यहाँ पर बन रहा है, तो शायद वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिले। बहुत अलग इलाके में बन रहा है, बोरिंग रोड, बेली रोड ये सब इलाके में मिलता तो सब सेंटर पड़ता है, या गांधी मैदान के पास कहीं पर, तो वहाँ से लोग स्टेशन से कहीं से आते तो बीच सेंटर में आते। बट ये जो साइंस सिटी बन रहा है और ये गर्दनी बाग में जो बापू टावर बन रहा है, बिल्कुल अलग इलाका, एकदम सन्नाटा इलाका में। यहाँ पर घूमने के लिए आप बोलिएगा भाई बापू टावर जाओ वहाँ घूमने के लिए, बोले वहाँ पर और कुछ घूमने के लिए है, तो बोले नहीं बगल में एयरपोर्ट है, इसलिए एक जगह नहीं अच्छा है। लेकिन यहाँ वाले जो पब्लिक है उनको यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और आपको बता दें, बापू टावर में गांधी जी से रिलेटेड ही सब कुछ होने वाला, उनके बारे में बताया जाए, उनके जीवन के बारे में बताया जाएगा, फोटो वगैरह लगा रहेगा, स्टैचू वगैरह यही सब रहने वाला है। मेरे को तो कुछ लेजर लाइट का शो वगैरह होगा, बट वैसा कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर एकदम बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, सिर्फ फोटो वगैरह लगेगा, उसके बारे में सब कुछ लिखा रहेगा, तो पटना वाले बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले। उस तरह से गांधी संग्रहालय है, गांधी संग्रहालय में आप लोग कभी जाइएगा, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा रहता है, 1 रुपया वहाँ चार्ज नहीं लगता है। पब्लिक जाती भी है कभी, मतलब एक दो बार मैं गया हूँ तो हमेशा खाली देखते हैं, एक चाचा जी बैठे रहते हैं, बोलते कोई आता है कभी नहीं आता है, फोटो वीडियो लीजिए कुछ भी लीजिए, अंदर पूरा एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में अच्छा से लिखा हुआ है। वही है मेरे को, अगर बापू टावर में भी वैसा ही कुछ रहेगा तो रिस्पॉन्स वैसा अच्छा नहीं मिलेगा। ऊपर से भी दिखा रहे हैं इसके, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है, जो कलर है, बिल्कुल यही रहने वाला है, थोड़ा हल्का फुल्का क्लीन किया जाएगा, बट इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किया जाएगा। और दूसरा बात आपको बता देते हैं, पूरे 360 में जो देख रहे हैं आप लोग, वहाँ पर पूरा गार्डन होने वाला है, घूमने के लिए गार्डन भी रहेगा। तो अगर आप लोग सविता द्वार गए हैं, बिल्कुल वहाँ पर फ्री चार्ज रहता है। अगर बापू टावर में वैसा ही हम लोग को एंट्री मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में, तो शायद अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा पब्लिक से। ऐसे मेरे को लगता है बिल्कुल वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जैसा सोच कर आए हैं, क्योंकि पता चला यहाँ पर सिर्फ बापू गांधी जी के बारे में ही सब कुछ बताया जाएगा। अगर कुछ वैसा यूनिक नहीं हुआ, लेजर लाइट्स हो ये वो, तो वैसा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा नहीं। बाकी बाहर से अगर गार्डन में लोग खड़ा होकर फोटो इसके साथ लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा बापू टावर को बाहर से। अंदर से मेरे को पता नहीं बनने के बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ से पूछ रहे हैं, पता चल रहा है तो बोले ये फोटो वगैरह पूरा गैलरी बना रहेगा, उन्हीं के बारे में सब कुछ डिटेल में सिर्फ लिखा रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। और बताएगा कि एक कैफेटेरिया भी होगा, यहाँ पर लोग आ रहे हैं इस गार्डन में घूम रहे, तो अलग से कैफेटेरिया भी होगा, पेड होगा, पैसा देके कुछ खा पी भी आप लोग सकते हैं। सिनेमा हॉल का बात है, सिनेमा हॉल भी इस साल नया पटना को मिलने वाला है, और पता चला साइंस सिटी भी खुल जाएगा। जी हाँ, साइंस सिटी इस बार पटना में खुल जाएगा, बट पूरा साइंस सिटी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको पूरा बनने में कम से कम 1 या 2 साल पूरा और लगने वाला है टाइम। बाकी पता चला कि हाफ हल्का फुल्का खोल दिया जाएगा पब्लिक के लिए। अब क्या कुछ रहेगा साइंस सिटी में, अभी मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी वीडियो शूट अलाउ नहीं है। बाकी बापू टावर जिस एरिया में बन रहा है ये बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम क्लीन है, पार्किंग वगैरह कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अंदर पार्किंग के लिए स्पेस भी यहाँ पर रहेगा, ऐसा नहीं कि कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं तो कहीं पार्क नहीं, रोड पे करना पड़ेगा, अंदर आप लोग पार भी कर सकते हैं। चार्ज वगैरह भी शायद कुछ रखा जाएगा मेंटेनेंस को लेकर, क्या चार्ज होगा अभी बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं है। ये वाला का जो आप लोग देख रहे हैं छतरी टाइप का, ये पटना के सिटी सेंटर में है, मेरे को लगता था कैसे पानी निकलेगा, बट यहाँ पर एक कुछ बना हुआ है, इसी के मदद से ये पानी नीचे निकल जाता है, तो इसमें पानी ये जो छतरी टाइप उसमें जमता नहीं है,
पानी से नीचे से निकल जाता है। तो आपको क्या लगता है बापू टावर खुलने बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, मतलब कि बहुत अच्छा से चलेगा या फिर बिल्कुल सन्नाटा रहेगा, खाली रहेगा? जब नया कुछ भी पटना में अपने बिहार में खुलता है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बट धीरे धीरे पूरा सन्नाटा हो जाता है। अब मेरे को जैसे लगता है बापू टावर खुलने वाला है तो वैसा अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, क्योंकि फिर से आपको बता रहे बताया जाएगा बापू गांधी जी रहेगा, गांधी जी का फोटो वगैरह पूरा गैलरी में लगा रहेगा, उसी के बारे में चंपारण सत्याग्रह जितना भी जीवन उनके बारे में उसके बारे में अच्छा से डिटेल में दिया जाएगा। और वही आपको देखना है तो गांधी संग्रहालय भी जाके देख सकते हैं, 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क है। गांधी मैदान है वहाँ पर, गोलम्बर चिल्ड्रेन पार्क वहीं पर उसका है, गांधी संग्रहालय है उसी के बगल में है, आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल चार्ज नहीं लगता है। तो पटना बिहार म्यूजियम भी गाइस आप लोग जाते हैं तो बिहार म्यूजियम में जाते हैं तो लोग कोई कुछ पढ़ते उड़ते नहीं है, वहाँ पर फोटो लेके सेल्फी लेके ही निकल जाते हैं। शुरू शुरू में हल्का फुल्का कोई पढ़ता है लेकिन उतना कोई पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है, कोई किसी का बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सच बोला मैं भी कभी जाता हूँ तो फोटो सेल्फी ही लेकर निकल जाते हैं, उतना कोई पढ़ने नहीं जाता। हाँ वहाँ सिक्का वगैरह होता है तो उसका डेट देख लेते हैं, 90 कब से है, 1800 कब से, ऐसे करके देख लेते हैं, लेकिन हर चीज़ का कोई डिटेल में नहीं पड़ता है, उतना किसी के पास टाइम नहीं है। अंदर कोई भी छोटा छोटा मूर्ति रहेगा तो उसका मूर्ति का फोटो ले लेगा अलग अलग तरीके से, या फिर अपना उसके वहाँ मूर्ति के साइड में खड़ा होकर फोटो ले लेगा, यही होता है वहाँ पर बिहार म्यूजियम में। चाहे कोई कितना भी बार जाए बोर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज़ हम लोग को यूनिक देखने को मिलता है। अगर ये बापू टावर में बिल्कुल वैसा कुछ नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल समझिए कि नहीं नहीं बराबर रहेगा, नहीं चलेगा नहीं। आपको फिर से क्या बताया, दोनों मेरे किडनी में स्टोन हो गया तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता है व्लॉग लेने में, आजकल देख रहे लेट हो रहा है, शाम हो जा रहा है, पहले 10:30, 11 बजे तक आ जाता था लेकिन अब थोड़ा लेट हो जा रहा है क्योंकि दर्द रहता है, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। अब घर को बार बार बोलेंगे दर्द हो रहा है तो भाई ऑपरेशन ही करा देंगे, क्योंकि अभी दवा चल रहा है, दवा से कुछ सुधार हुआ है, पहले से पेन कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा बाहर निकलते तो ज़्यादा देर खड़े रहते तो ज़्यादा दर्द होने लगता है। ड्रोन भी उड़ाएंगे ना लगातार खड़े तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है मेरे किडनी में, इस कारण से तो प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, कभी कभी मैं कुछ पुराना व्लॉग डाल देता हूँ तो क्या भाई पुराना डाल दिया जानते हैं, उसे कमेंट करते हैं, मैं पहले ही स्टेटस में या व्लॉग में बता देता हूँ थोड़ा पेन है इस कारण से व्लॉग हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, फिर भी ऐसे बट फिर भी व्लॉग गाइस आते रहेंगे, आप लोग का ऐसे ही प्यार मुझे मिलते रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। और अपडेट का व्लॉग या पटना एक्सप्लोर का व्लॉग गाइस आते रहेगा, लेकिन अब कुछ सोच रहा हूँ कि व्लॉग में कुछ नया करने का मैं कोशिश करूँगा, जो मैं फिर से बता रहा हूँ दोनों व्लॉग आते रहेगा, पटना को एक्सप्लोर करने वाला और अपडेट का, बस कुछ यूनिक और करने का कोशिश करेंगे, देखेंगे अपने चैनल पर कुछ यूनिक करके, क्योंकि 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप सबका वैसे ही बस प्यार मिलते रहे। चलिए गाइस वहाँ से फाइनल निकल ले, छोटा सा अपडेट था, फिर अपडेट लेकर आएंगे जब यहाँ इसका उद्घाटन होगा, पता चला कि फरवरी में खुलने वाला है, डेट में एग्जैक्ट नहीं पता बट सिर्फ बोला गया फरवरी में इसका उद्घाटन हो जाएगा। चलिए तो फाइनल यहाँ से निकल लें, तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।